हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिबन एम्ब्रॉयडरी का एक और नया तरीका सिखाऊंगी, एक और नया स्टिच सिखाऊंगी। पिछली रिबन एम्ब्रॉयडरी में मैंने आपको बेसिक स्टेम स्टिच और चेन स्टिच से फ्लावर बनाना सिखाया था। आज मैं थोड़ी सी और आगे को जाते हुए आपको कुछ और तरीके के फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको इस तरह का फ्लावर बनाना सिखाऊंगी जिसकी जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये जो रिबन यूज़ करा है, ये वाला रिबन है, ये 4 mm का रिबन है। तो आप इसको पहले सुई में पुरो लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। सॉरी। उसके बाद आप इसको ये जो एंड है इसका, इसमें से निकाल लीजिए नीडल को। निकालने के बाद आप इस थ्रेड को खींचेंगे तो ये इकट्ठा यहाँ पे नॉट लग जाएगा। सॉरी। और नीचे वाले पोर्शन पे आपने गांठ लगा लें, कोशिश करें डबल गांठ लगा लें ताकि वो हिले नहीं। रेडी करने के बाद आप इसको सील भी कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्लावर बनाया हुआ है, इसी तरीके से ये फ्लावर भी आपको सिखाऊंगी किस तरीके से बनता है। रिबन एम्ब्रॉयडरी बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसमें बहुत अच्छे मोटिव, बहुत अच्छे वॉल पीसेस बना सकते हो, कुशंस बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से। तो इसमें हमने इस थ्रेड को पहले, इस रिबन को सीधा रखना है और ऐसे इसको रैप कर देना, एक बारी और ये दूसरी बारी, 2 बारी रैप करके इसको ऐसे पकड़ लेना है क्रॉस करके। अब इसको इसमें से निकालना। इस तरीके से तो ये पॉइंटेड एंड बन जाएगा, इसको यहाँ टक कर दे। इसी तरीके से जितनी पेटल्स आपने बनानी है आप ऐसे ही बनाएंगे। थ्रेड को एक बारी रैप करना है सुई पे, फिर दूसरी बारी रैप करना है और इसको ऐसे क्रॉस कर लेना। और फिर इसको पुश करते हुए आराम से निकालना है ताकि ये शेप बनी रहे। बहुत सिंपल है और इसको टक कर देना। जहाँ पे जैसे लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाते हैं इसको भी, बस रैप नीडल के दो तरफ 2 बारी करना है, बस ये ध्यान रखना है, एक बारी और दूसरी बारी ऐसे, और फिर उसके बाद इसको ऐसे क्रॉस कर लेना। ठीक है, 2 बारी रैप करके इसको ऐसे पकड़ लेना है और इस तरीके से इसको फिट कर ले।
बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जब भी ये एम्ब्रॉयडरी करते हो तो आपको क्लॉथ जो है वो थोड़ा केसमेंट लेना पड़ेगा, कॉटन केसमेंट पे एक बहुत अच्छा काम होता है, या फिर आप अगर सिल्क वगैरह पे कर रहे हो तो वो तो खैर अच्छा इफेक्ट देगा ही, लेकिन ये जो कॉटन केसमेंट है इस पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ऐसे दो बारी रैप करके इसको पकड़ रखना है अंगूठे की मदद से, ताकि उसकी शेप ना खराब हो, पूरा थ्रेड निकल जाए, उसके बाद ही छोड़ना है, तभी ये पॉइंटेड सा बनेगा। तो इस तरह से आपने पूरा फ्लावर बना लेना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से होता है। बस आपने दो बारी रैप करना है। ओके, तो देखिए ये फ्लावर ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ये छोटे फ्लावर्स बनाने सिखाऊंगी, ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं और बहुत इजी है बनाना। इसमें हम 6 mm का बेबी रिबन लेते हैं, ये थोड़ा चौड़ा है, पहले वाले रिबन से थोड़ा चौड़ा है। तो इस रिबन को आपने अप्रॉक्सीमेट 5 इंच के करीब है पीस ना, मैं अभी आपको मैं ये करके दिखाती हूँ। ये 4.5 इंच का रिबन ये है, और ये जो छोटे फ्लावर्स बनाए हुए हैं ये 3 इंच के हैं। तो 3 इंच का ये वाले फ्लावर्स हैं छोटे वाले, और ये 3.5 इंच का फ्लावर जो है इसके बीच में थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि ये मैंने बना चुकी हूँ, इसके ऊपर ही बीच में ये वाला इसी टाइप का फ्लावर बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम इसको पहले दोनों तरफ से इसके एंड सील कर लेंगे कैंडल की मदद से, फिर जो इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो रफ साइड है बाहर की तरफ लेंगे और इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे। इस तरीके से टकिंग करने के बाद इसको खोलेंगे और इसकी एक साइड पे हम रनिंग स्टिच कर देंगे, बारीक बारीक रनिंग स्टिच कर देंगे, ओके। एक जैसे स्टिचेस लोगे तो एक जैसा इफेक्ट आएगा। पूरा रनिंग स्टिच करने के बाद हम इसको खींच लेंगे तो ये ऐसे फ्लावर बन जाएगा। ये फ्लावर मैंने इसके बीच में लगाना है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा लूज ही रखेंगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, ठीक है? तो ऐसा करने के बाद हम इसको उल्टी साइड से ही टकिंग कर लेंगे, जैसे नॉट लगाते हैं वैसे नॉट लगा लेंगे। ताकि ये खुले ना।
अब इसको इस तरीके से इसके बीच में रखेंगे कि ये पूरा ढक जाए, जितनी भी स्पेस है ये ढक जाए। बीच बीच में टकिंग कर देंगे ताकि खुले ना या बाहर ना आए। अब मार्केट में फ्लैट बीड्स मिलते हैं जो एक तरफ से फ्लैट होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और एक तरफ से राउंड होते हैं, ये फ्लैट है और ये राउंड है। ये लगाने इजी होते हैं, कपड़े पे आराम से बैठ जाते हैं। इसके सारे साइजेस मिलते हैं मार्केट में ना, तो मैं इस पर थोड़ा बड़ा साइज लगा रही हूँ इस फ्लावर में ऐसे। आप 2 टाइम भी इसको निकाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर आप एक बारी रिबन एम्ब्रॉयडरी करना सीख जाओगे तो आपको करने का इतना मज़ा आएगा कि आप हमेशा चाहोगे कि मैं ये एम्ब्रॉयडरी प्रेफर करूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देती है। ये पेटल्स मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। इसमें मैं सिर्फ आपको 2 तरह के फ्लावर्स और ये पूरा मोटिफ कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके, अब मैं आपको ये फ्लावर्स लगाना सिखाऊंगी। बनेंगे तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये पहले पिंक वाला बनाया है। इसको मैंने खींचा नहीं है, इसको मैंने पूरा अच्छी तरह से खींच के इसको राउंड बना लिया है, छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए। अब मैं इसको टक कर दूंगी यहाँ पे। और इसके बीच में भी वही फ्लैट बीड लगाऊंगी, लेकिन थोड़ा छोटे साइज का, ये थोड़े छोटे साइज के हैं, ये देखिए। बड़ा लगाऊंगी कि तो इसकी पेटल्स दिखेंगी नहीं। आप जो इसकी चमकती साइड है वो आगे ऊपर की तरफ रखेंगे, दूसरी साइड नीचे को रखेंगे। इसमें भी बीड लगा देंगे। इस तरीके से ये जो थर्ड फ्लावर है इसको भी हम लगा देंगे। तो इस तरीके से ये फ्लावर्स बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है इन फ्लावर्स का। अब मैं आपको ये डंडी और इसके साथ ये जो 2 पेटल्स हैं ये बनाना सिखाऊंगी। तो स्टेम स्टिच तो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ,
कि स्टेम स्टिच करने के लिए आपने इस थ्रेड को रोटेट कर लेना है बेस से, रोटेट करके, अच्छे से रोटेट करके आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे नीचे टकिंग कर। फिर से आपने इसके हाफ स्टिच से निकालना है। फिर इसको रोटेट करना है, स्टेम स्टिच को रोटेट करके ही करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। रोटेट करके और फिर से हमने जैसे हम स्टेम स्टिच में छोटे टांके लेते हैं वैसे लेते हुए स्टेम स्टिच करेंगे, फिर रोटेट करेंगे और फिर हम ऐसे छोड़ेंगे। अब इसके दोनों तरफ पेटल्स बनानी है, लीव्स भी हम अब हम रोटेट नहीं करेंगे, अब इसका सारी थ्रेड को स्ट्रेट कर लेंगे और उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने ये फूल पत्तियां बनाई थी, ऐसे डबल करके इस तरीके से जैसे हमने फ्लावर की पत्तियां बनाई थी ना, उसी तरीके से हमने इसको रोटेट करना है, डबल बारी रोटेट करना है। दो बड़ी रोटेट करके इसको ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ने के बाद हमने तब तक नहीं छोड़ना जब तक पूरी पेटल ना निकल जाए, इसको टकिंग कर देना। फिर इस तरफ पत्ती बनानी है, ये भी सेम उसी तरीके से बनानी है कि हमने एक बारी और दूसरी बारी करके ऐसे इसको पकड़ लेंगे। ऐसे पॉइंटेड पत्तियां बनेंगी जैसे आपने लीफ फ्लावर की बनाई थी, सेम उसी तरीके से आपने इसकी भी बनानी। बस इस थ्रेड को स्ट्रेट रखना है ऐसे करके, ऐसे इसको रखेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से इसको स्टेम स्टिच और ये पेटल्स बनाई है। तो देखिए ये पूरा फ्लावर ऐसे बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने आज आप इसमें दो तरह के स्टिचेस, दो तरह के फ्लावर बनाने सिखाए हैं, एक तो ये वाले और एक ये छोटे वाले। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टेम स्टिच मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में भी सिखाया था, आज भी बताया है। और ये वाली पेटल्स जो हैं ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई हैं, सिर्फ इसी तरीके से बनाई हैं जिस तरह से मैंने फ्लावर्स बनाए, दो बारी थ्रेड को रोटेट करके। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये मेरा आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करें और साथ में मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।